नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। राजनीति में एंट्री को लेकर सपना चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। वे जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, जिससे न केवल फैंस निराश होंगे बल्कि कईयों को झटका भी लगेगा। मशहूर हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी रविवार दोपहर बाद फतेहबाद के भंटू कला कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने करीब एक घंटे तक अपने लटके झटकों से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो वे राजनीति में आने को लेकर खुलकर बोली। सपना चौधरी ने कहा कि अगर उन्हें किसी पार्टी से अच्छा ऑफर मिलता है तो वे अपने हुनर के मुताबिक उस पार्टी में काम करेंगी। उन्हें न पार्षद बनना है, न MLA की टिकट चाहिए और न ही प्रधानमंत्री बनना है। वहीं कांग्रेस में जाने की चर्चाओं पर सपना बोली कि पहली बार उनकी कांग्रेस के शीर्ष कमान से मुलाकात नहीं हो पाई थी, अब दोबारा से बुलावा मिला है और समय मिलेगा तो वे जरूर जाएंगी। सपना ने मौजूदा हरियाणा सरकार पर कलाकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सपना ने कहा कि मौजूदा सरकार को कलाकारों पर ध्यान देने के लिए फुर्सत ही नहीं है। बाकी मेरी कोशिश है कि कलाकारों के लिए हम कुछ न कुछ कर पाएं। सपना चौधरी ने मांग की है कि हरियाणा में सरकार फिल्म सिटी बनाए, थिएटर बनाए, ताकि हरियाणा के कलाकार अपने हुनर को पहचान दे सके। सपना चौधरी ने कहा कि हरियाणा में राइटर लिख लिख कर मर जाते हैं और आखिर में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो दानों के लिए मोहताज हो जाता है। इसीलिए हम लोग हरियाणा के कलाकारों के लिए संघर्षरत हैं। सरकार से उम्मीद है कि वे कलाकारों की बेहतरी के लिए जल्द से जल्द अच्छे कदम उठाएं। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।